Hello friends, today myself Pushkar Anand, I am going to tell you more about traditional ways of investment. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को traditional ways of investment के बारे में बताना चाहूँगा. Last videos में मैंने आपको ये बताया था, दो तरीके के ways of होते हैं investment. पहला traditional, दूसरा non-traditional. तो आज हम लोग दोस्तों traditional ways of investment को deep में समझेंगे कि traditional ways of investment होता क्या है और कहाँ कहाँ पे हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो पहली चीज, ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली ओल्ड है, काफी पुराना है और काफी ज्यादा लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, तो उसी का नाम है ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि कहीं ना कहीं सेविंग की तरह ही होता है. इसमें बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेविंग से ज्यादा होता है. मतलब ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ओल्ड बट मोस्ट हाईली वैल्यूड एंड प्रैक्टिस्ड वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जिसकी एक्सेप्टेंस और क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है. वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पैसा लगाए वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही लगता है. तो आइए हम सब अब थोड़ा जानने की कोशिश करें कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है. पहली चीज़ जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये होता है कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है स्टार्ट कहाँ से होता है. ये हमेशा एक बैंक अकाउंट से स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट. तो आज के टाइम बैंक अकाउंट पूरे इंडिया में हर आदमी के पास ऑलमोस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से जनधन स्कीम लॉन्च की है तब से तो ऑलमोस्ट गरीबों के पास भी जीरो बैलेंस वाला अकाउंट, जिसको बेसिक बैंक अकाउंट बोलते हैं, खुल चुका है. तो खाते में डाला हुआ पैसा, जिसको हम FD फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम लोग ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट फुट स्टेप है. ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सरल है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस का एप्लीकेशन नहीं है. जो पहला वे मैंने आप लोगों को बताया था बैंक अकाउंट का, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलो होता है. ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में, बट अगर आयरनी की बात की जाए इंडिया में, तो जो इंडिया में आज के टाइम जो टोटल पूरे कंट्री का सेविंग है ना, 80% सेविंग आज बैंकों में ही है, इन अ फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट और एल्स इन अ फॉर्म ऑफ बेसिक बैंक अकाउंट या FD RD के फॉर्म में चल रहा है. अब दोस्तों फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि बैंक को आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दिया है, जिसके ऊपर बैंक आपको रिटर्न में एक दे रही है नोट प्रॉमिसरी कि आपको इतना पैसा देने पे इतना रिटर्न मिलेगा. इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट इन FDs. फिक्स डिपॉजिट, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू भी हमारा पैसा काफी सुरक्षित होता है और लंबे टाइम के लिए हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. इंडिया में आज भी जो सबसे ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं वो फिक्स डिपॉजिट का ही है. दूसरी चीज दोस्तों क्या है? म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स आजकल दोस्तों हर जगह प्रचार आता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए. बट म्यूचुअल फंड्स में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, बेसिक समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड होता कहाँ है और कहाँ कहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक वैसा फंड होता है जिसमें हम लोग एग्रीगेटेड वे में ना बहुत सारी कंपनियों का पैसा लेते हैं और एक कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड्स. अब आज के टाइम जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में हर रीजन से सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी सारे इन्वेस्टर्स के थ्रू लेती हैं और मार्केट में, जिसको कहते हैं शेयर मार्केट या फिर जिसको कहते हैं डेप्ट मार्केट, जिसको कहते हैं बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी मार्केट, उसमें इन्वेस्ट करती है. तो म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है आज के टाइम इन्वेस्ट करने का. म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आज के टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहले को कहते हैं लमसम और दूसरे को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, सॉरी लमसम एंड SIP. तो लमसम को हम लोग कहते हैं एज अ फिक्स डिपॉजिट और SIP को कहते हैं एज अ रेकरिंग डिपॉजिट. तो लमसम आप लोगों को वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है और एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद उसका रिटर्न आता है. और जो SIP होती है वो रेकरिंग डिपॉजिट की तरह होती है, क्योंकि हर लोगों के पास तो एक सारा इकट्ठा पैसा होता नहीं है. जैसे जैसे उनको सैलरियों के फॉर्म में पैसा आता है, वैसे वैसे उनको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है. तीसरी चीज़ जिसको कहते हैं PPF अकाउंट. दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज के टाइम इंडिया में गवर्नमेंट भी कई सारे अकाउंट्स, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, जिसके थ्रू आप अपना पैसा गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो उसमें सबसे पहला क्या आता है दोस्तों? PPF. PPF का फुल फॉर्म ही होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसमें फ़ायदा ये है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो रिटर्न होता है काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट, और काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हाईली प्रैक्टिस्ड है. इसकी जो प्रैक्टिस है सबसे ज़्यादा की जा रही है.
और दूसरा चीज़ होता है जिसको कहते हैं NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसके थ्रू हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होता है जिसको कहते हैं कि किसान विकास पत्रा होता है, जिसमें क्या है कि पैसा एक फॉर्म ऑफ, हम लोग एक पेपर खरीदते हैं और उस पर जो भी रिटर्न होता है फॉर ए स्मॉलर टिकट साइज, छोटे टिकट साइज के लिए हम लोग किसान विकास पत्रा से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसको करने के लिए आपको किसी एडवाइजर की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सा नॉर्मल सा आप, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है जो कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको बार बार दे रहे हैं, आप इसको भी ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथी चीज़ वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आज के टाइम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंश्योरेंस में दो चीज़ों का फायदा होता है, पहला लाइफ कवर और दूसरा आज के टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस को हम लोग यूलिप भी कहते हैं, यूलिप जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। उसमें क्या होता है, जो भी पैसा हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और उसके ऊपर एक इन्वेस्टर को एक रिटर्न मिलता है। बट क्या पूछेगा यूलिप वाले जो इंश्योरेंस होते हैं क्या उसके रिटर्न फिक्स्ड होते हैं? द आंसर इज नो। तो आप कभी भी इन्वेस्ट करिए इंश्योरेंस के थ्रू तो उसके जो दस्तावेज हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको पूरे ध्यान से पढ़िए और उसका पहले रिस्क समझिए और फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। जो लास्ट चीज़ है जिसको कहते हैं हम लोग कॉमोडिटी। कॉमोडिटी से मैंने दोस्तों यहाँ इसलिए लिखा है जिसमें हम लोगों का सबसे पहला टर्म आता है जिसको कहते हैं गोल्ड। तो इंडिया में आप सभी को पता है इंडिया इज़ अ गोल्ड लविंग नेशन। हम लोगों के यहाँ शादियों में, स्पेशली एनी फंक्शंस में, एनी रिलीजियस मौके पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ऑर्नामेंट वो है गोल्ड की। तो गोल्ड का हमारे पर लाइफ में एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। तो आज के टाइम किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल में अगर वो गोल्ड खरीद के भी स्टोर करता है, मैं ये नहीं कह रहा आपको करना चाहिए बट करता है, तो फ्यूचर में उसके ऊपर भी एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स थे जिसको हमने इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग और आपको डेप्थ में बताएंगे और कहां कहां पे आप ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। अब अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के दूसरे और पार्ट्स को लेके चलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।